से जिस तरह से गांधी नेहरू खानदान के बीच नोकझोंक चल रही है वो अब बड़ी बहस का मुद्दा बन गई है कि आखिर गांधी परिवार का शीत युद्ध खुली जंग में क्यों तब्दील हुआ, कौन लांघ रहा है रिश्तों की लक्ष्मण रेखा, वरुण या प्रियंका। परिवार के साथ विश्वासघात, ये शब्द प्रियंका ने वरुण के लिए इस्तेमाल क्यों किए? परिवार के साथ विश्वासघात इसमें कैसे हुआ? देखिए, सीधी सी बात है कि जो कांग्रेस पार्टी है, हमारी जो आइडियोलॉजी है वो ये सिंपल सी आइडियोलॉजी है, कोई तूफान की आइडियोलॉजी, सिंपल सी आइडियोलॉजी है कि हिंदुस्तान के सब लोग साथ चलेंगे और हम एक दरमियानी रास्ता अपनाएंगे जिसमें न हम राइट विंग का इस्तेमाल करेंगे न लेफ्ट विंग का इस्तेमाल करेंगे, हम अपने सेंटर में चलेंगे और सबको साथ लेके चलेंगे। और जहां तक वरुण गांधी का सवाल है, उन्होंने जो रास्ता अपनाया है बीजेपी का रास्ता, वो हमारे से अलग है। तो जो प्रियंका जी ने कहा, ये फैमिली टी पार्टी नहीं है, ये फैमिली की कोई चाय की दावत नहीं है, ये फैमिली की लड़ाई नहीं है, ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। प्रभु, आइडियोलॉजी की याद, विचारधारा की याद क्या कांग्रेस को, प्रियंका गांधी को इसलिए आ रही है क्योंकि उन्हें लगता है कि वरुण उनके गढ़ में सेंध लगा रहे हैं, इसीलिए वरुण पर इतना तल्ख निशाना, इतनी तल्ख टिप्पणी? खतरा जरूर लगता है कि वरुण अगर वहां से जीत जाते हैं तो कांग्रेस के जो वहां पर एक फीएफडम बनी हुई है उसके अंदर एक सेंध जरूर लग जाएगी, सेंध जरूर लग जाएगी। प्रियंका जी ने जिस भाषा का उपयोग किया है तीन दिन से, और वरुण गांधी ने जिस प्रकार का संयम रखा है, जिस तरह की शालीनता प्रदर्शित की है, वो काबिले तारीफ है। इसका मतलब यह है कि उनके कैंप में बौखलाहट है कि वरुण गांधी जीत रहे हैं और क्या पता अमेठी और रायबरेली में क्या हो। इस बात से चिंतित है प्रियंका गांधी, और स्वाभाविक है, परिवार के लिए चिंतित होना उनका फर्ज भी बनता है। ये फैमिली अफेयर नहीं है, ये पॉलिटिक्स है, आइडियोलॉजिकल बैटल है, वॉर है, जिसमें कांग्रेस पार्टी कॉम्प्रोमाइज किसी के साथ नहीं कर सकती। जी प्रभु, 2004 का अगर सिनारियो देखें तो साफ तौर पर अरुण नेहरू के लिए प्रियंका ने इससे भी ज्यादा तल्ख शब्दों का इस्तेमाल किया था। उन्होंने जनता से कहा था कि इस जैसे गद्दार को आपने इस क्षेत्र में घुसने भी क्यों दिया, और नतीजा ये हुआ कि जब चुनाव के नतीजे आए तो अरुण नेहरू चौथे नंबर पर थे। क्या इस बार इसी तरह का कुछ नतीजा वरुण गांधी को भी प्रियंका के ये तल्ख शब्द दिखवा सकते हैं? वरुण गांधी इस पर लड़ रहे हैं चुनाव सुल्तानपुर से, जबकि ऐसा माना जाता है कि मोदी की वेव है, कि सारा का सारा दारोमदार डिपेंड करता है यूपी में बीजेपी कितनी सीटें मिलती हैं। तो वरुण को जब पीलीभीत से शिफ्ट किया गया, उनको लगता था कि पीलीभीत के अंदर शायद वो चुनाव ना जीत पाए, जिस तरह के केस हुए वहां पर माइनॉरिटीज का पूरा पोलराइजेशन हो सकता है, इसे सुल्तानपुर के अंदर शिफ्ट कर दिया गया। और सुल्तानपुर के अंदर क्योंकि ब्राह्मणी का डोमिनेशन भी ज्यादा है, ठाकरों का अपर कास्ट का डोमिनेशन ज्यादा है, इसलिए लगा कि बीजेपी को वहां वरुण को भेजने से वहां पर किसी न किसी की जीत हो सकती है, एक सीट बीजेपी की और बढ़ सकती है। परंतु जो अरुण नेहरू के बारे में कहा था कि अरुण नेहरू को पहले भी राजीव गांधी ने अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से निकाल दिया गया, जबकि वो हार्ट अटैक उनको हुआ था, वो कश्मीर में हॉस्पिटल में थे, तभी उनको अपनी कैबिनेट से हटा दिया गया था, उनका डिपार्टमेंट भी छीन लिया गया था। तो अरुण नेहरू और राजीव गांधी जी के अंदर जब सरकार में तब से एक माडमटाव था, जिसके लिए अपने को रिफ्लेक्ट कर जो प्रियंका जी हैं अपने फादर की जो पीड़ा है वो रिफ्लेक्ट कर रही थी, परंतु उसका असर यह हो कि बाकी जगह भी सब बीजेपी हार गई थी, इसलिए खाली अरुण नेहरू नहीं हारे थे, सारी पार्टी का हालत बुरा हुआ था। तो उस परिपेक्ष में आप नहीं देख सकते कि अगर प्रियंका ने अरुण नेहरू के खिलाफ बोला तो चुनाव हार गए, वो परिपेक्ष और था कि बीजेपी सीटें ही नहीं जीती थी, वो 29 या 30 कुछ सीटें जीती थी। तो ये हो सकता है कि अब जो हो रहा है वो मोदी की वेव मान करके वहां पर उनको भेजा गया है। अगर मोदी की वेव नहीं है तो सुल्तान में वरुण भी हारेंगे, अगर मोदी की वेव है तो वरुण हारेंगे, जीतेंगे बिल्कुल, हर को रोक नहीं सकता उनको। तो प्रियंका उनके बारे में क्या सोचती हैं, उनको क्योंकि उनका भाई है, उनको कहने की एक अधिकार है, परंतु जिस भाषा का उन्होंने प्रयोग किया वो शायद उचित नहीं है, डेमोक्रेसी में इस तरह की भाषा करनी नहीं चाहिए, ये मेरा कहना है। ये आपका कहना। रविदास मेहरोत्रा जी, आपकी क्या राय है इस पूरे विषय पर? अगर आप कुछ पूरे पहले जाए इतिहास में, तो जब इंदिरा गांधी जीवित थी उन्हीं के सामने मेनका गांधी को घर से बाहर निकाल दिया गया था जी। और मेनका गांधी ने संजय गांधी विचार मंच नाम से एक पार्टी खड़ी करी थी और इंदिरा गांधी के खिलाफ उस समय चुनाव लड़ने की तैयारी में वो थी, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी की मृत्यु हो गई और फिर संजय गांधी विचार मंच ढीला पड़ गया और वो उस वक्त बीजेपी में आ गई। ये आज की बात तो है नहीं,
तो आज ये कहना कि परिवार से विश्वासघात किया है, ये मैं समझता हूँ कि आज कहना ये उचित नहीं है। उन्होंने कभी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी, तो वो प्रियंका को लांगने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, उन्होंने कोई ऐसी लक्ष्मण रेखा नहीं लांगी, कोई ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि भाई ये फैमिली अफेयर नहीं है, ये कांग्रेस और कांग्रेस के खिलाफ जो पार्टियां हैं, जो हमारी नजर में हिंदुस्तान के खिलाफ काम करती हैं, वो उनके बारे में ये है कि भाई आप अपना रास्ता वहां से, आपका हमारा रास्ता इधर से है। जब तक कि वो उस रास्ते पर सुधार न लाए, तब तक वो हमारे साथ ऐसे कैसे चल सकते हैं? उनकी अलग, उनका अलग रास्ता है, बिल्कुल अलग रास्ता है, आइडियोलॉजिकली अलग रास्ता है, जिसको आप विचारधारा कहते हैं, इसमें कोई जोड़ नहीं हो सकता। ये फैमिली अफेयर नहीं है, ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, और तब तक लड़ाई होगी जब तक बीजेपी ये न मान ले कि सब हिंदुस्तानी एक साथ चलेंगे। ठीक है सलमान सोज, आप कह रहे हैं कि ये बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई है, लेकिन प्रभु मुझे नहीं लग रहा कि ये सिर्फ अब बीजेपी और कांग्रेस की लड़ाई रह गई है। मेनका गांधी, सोनिया गांधी अपने तरीके से जैसे भी एक दूसरे से लड़ती रही हो, मतभेद रहे हो आपस में, लेकिन भाई बहन का मतभेद इस तरीके से पहली बार सार्वजनिक हुआ है। क्या आप ये मानते हैं कि सिर्फ लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है? मैं तो मानता हूं बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई है ही नहीं, लड़ाई मोदी और गांधी परिवार की है। बीजेपी से गौड़ हो गई है, बीजेपी का नाम कहीं नहीं है, बीजेपी के नाम पर मोदी का पोस्टर लग गया है तो मोदी के नाम से वोट माने जाते हैं। और मोदी जी ने पिछले छह महीने से अंदर कोई एक ऐसा मौका नहीं छोड़ा कि गांधी परिवार के ऊपर अटैक ना करें। तो इसलिए मोदी जी आपका जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा, चाहे वरुण गांधी हो चाहे कि और हो, वो भी कई बार परिवार के ऊपर अटैक तो नहीं करते थे, परंतु बाकी लोग जितने भी हैं, जो 450 जो कैंडिडेट बीजेपी खड़े हुए हैं, उनका फोटो किसी पोस्टर पे नहीं है। वो मोदी सरकार की बात करते हैं, मोदी के लिए वोट मानते हैं, और मोदी के नाम पर जब बात आती है तो परिवार के ऊपर ज्यादा अटैक होता है। अगर आज भी देखेंगे, अरुण जेटली ने पिछले 3 दिन के जब मोदी बोलते हैं उसके बाद अरुण जेटली गांधी परिवार के पीछे पड़ जाते हैं। तो वरुण गांधी को मोदी का रिप्रेजेंटेटिव मानकर देखा जा रहा है कि जब उनका नेता उनके ऊपर अटैक कर रहा है तो गांधी परिवार के लोगों को गुस्सा आता है कि ये पारिवारिक संबंध हो गया, कि कांग्रेस में अंदर कांग्रेस के ऊपर आक्रमण नहीं हो रहा, आक्रमण मनमोहन सिंह के ऊपर भी नहीं हो रहा है, आक्रमण सिर्फ सोनिया गांधी जी के ऊपर हो रहा है, या उनके परिवार के ऊपर हो रहा है, या उनके सानिला के ऊपर हो रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से। तो मेरे को लगता है कि ये लड़ाई कांग्रेस की नहीं है, ये परिवार की है, गांधी परिवार के सर्वाइवल की है। और गांधी और मोदी भी यही समझते हैं कि इनको जब तक इनका जो वर्चस्व है, इनका जो नाम है जिनके नाम से कांग्रेस को वोट मिलते हैं, जब तक इनको क्रेडिबिलिटी खत्म नहीं की जाएगी तब तक कांग्रेस को हराना मुश्किल होगा। कांग्रेस बिना गांधी के चल नहीं सकती है, और गांधी परिवार ही कांग्रेस को यूनाइट करके रखा हुआ है। अगर यूनिटी आज कांग्रेस के अंदर है वो गांधी परिवार की वजह से है। आज गांधी परिवार को कांग्रेस से अलग कर दीजिए तो गांधी कांग्रेस पार्टी टूट जाएगी। तो आप ये कहना कहिए गांधी कांग्रेस और बीजेपी की लड़ाई ये नहीं है, ये गांधी पर मोदी और गांधी परिवार की लड़ाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। हम करना चाहेंगे ये जंग कहां तक जाएगी, ये जुबानी जंग जो गांधी वर्सेस गांधी की छिड़ी हुई है, क्या इस राजनीतिक परिदृश्य में ये पारिवारिक रिश्तों को और भी ज्यादा असमंजस में डाल देगी, या फिर इसके सिर्फ राजनीतिक नफे और नुकसान पर ये लड़ाई खत्म हो जाएगी।